Hello, welcome dear students. Welcome once again in my YouTube channel. So today my topic of discussion is human brain. So in this video we will discuss in detail about human brain. First I want to tell you some introduction about human brain. So we are going to start introductory part first. It is a highly specialized organ and which is highest, or you can say this is the coordinating center in the human body. So brain, you can write, this is the coordinating center in human body. दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो इसको एक बोनी केस में रखा गया है और उस बोनी केस का नाम है क्रेनियम. क्रेनियम इज द बोनी केस विच कवर्स ब्रेन एंड दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज. आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं बोनी केस. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसको कवर करा गया है तीन मेम्ब्रेन से और तीनों मेम्ब्रेन का नाम है मेनिंजेस. जो हमारी जो कवरिंग है थ्री मेम्ब्रेन को उसको उन्होंने मेनिंजेस बोला है. आप लिख सकते हैं दिस इज द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो जो ह्यूमन ब्रेन का एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है वो 1350 ग्राम्स है लगभग. ओके, और मेनली ये बना हुआ है नर्वस टिश्यूज का. और आपको अगर हम बताएं कि ग्रीन मैटर, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ग्रे मैटर है वो सरफेस पे प्रेजेंट है. दो मैटर्स हम लोगों ने पढ़े थे, ग्रे और वाइट. ग्रे मैटर इज प्रेजेंट ऑन सरफेस, आप कह सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन पर, और जो व्हाइट मैटर है वो इनर साइड पे प्रेजेंट है अगर हम लोग ब्रेन की बात करें. नेक्स्ट हम लोगों ने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में भी लिखा हुआ था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस भी करा था. और अब हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की. तो हम लोगों ने ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन की अगर बात करें, फर्दर इसका क्लासिफिकेशन है, इसमें तीन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम. दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो है थैलेमस, और नेक्स्ट पार्ट है हाइपोथैलेमस. इसी तरह सेम अगर हम लोग मिड ब्रेन को देखेंगे तो मिड ब्रेन में एक ही रीजन है जिसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. मिड ब्रेन का बेसिकली फंक्शन होता है स्टूडेंट्स कि ये फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करेगा, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. और जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन में तीन पार्ट्स हैं. फर्स्ट है सेरिबेलम. सेरिब्रम और सेरिबेलम में डोंट कंफ्यूज स्टूडेंट्स, सेरिब्रम इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम इज पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन. सेरिबेलम, सेकेंड इज कोन्स एंड थर्ड वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. सेरिब्रम की अगर हम लोग बात करें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको इसके बस फंक्शंस पे ध्यान रखना होगा कि सेरिब्रम इट इज द कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. और इसका काम फंक्शन क्या है ये आपको जानना जरूरी है. यहाँ पे दो हेमिस्फीयर है, कॉर्पस, जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से उनको कनेक्ट करने के लिए एक नर्व फाइबर है, उसका नाम है कॉर्पस कैलोसम. इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट सेरिब्रम कनेक्टिंग लिंक इज देयर विच इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, जो कि दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट करेगा. अगली बात अगर हम लोग बात करें इसके फंक्शन से रिलेटेड, इसके पास मेमोरी का काम है, लर्निंग, रीजनिंग, थिंकिंग, ये सारा काम सेरिब्रम के पास है. जितने भी सेंसरी एरियाज हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रीजन में ही होंगे, मोटर एरियाज और जो एसोसिएशन एरियाज हैं. एंड थ्री टाइप्स ऑफ लोब्स आर फाउंड इन सेरिब्रम. उन तीनों लोब्स, थ्री क्या आप फोर क्या लोब्स बोल सकते हैं, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब और पेराइटल लोब. लोब, टेम्पोरल लोब,
पैराइटल लोब और फ्रंटल लोब, ये चार लोब्स हैं इसकी जो कि अलग अलग फंक्शन को करेंगी। जैसे ऑक्सीपिटल का काम विजन से रिलेटेड होगा, टेम्पोरल का काम हियरिंग होगा, और पैराइटल का काम टच है, स्मेल है, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। और अगर हम लोग फ्रंटल पार्ट की बात करें तो यहाँ पे कुछ मस्कुलर एक्टिविटीज हैं जैसे कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन की अगर हम लोग बात करें, इसके दो पार्ट्स और हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है वो सेंटर पार्ट है फोर ब्रेन का, और इसका काम है कि पेन और प्रेशर के जितने भी इम्पल्सेस हैं वो सेरिब्रम को भेजेगा। और हाइपोथैलेमस इट इज अ रीजन विच इज प्रेजेंट बिलो द थैलेमस, आपको नाम से ही पता चल रहा है हाइपो। और इसका फंक्शन क्या होगा, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, थर्स्ट को मेंटेन करेगा, हंगर है, ब्लड प्रेशर है, और ये जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स उनको कंट्रोल करेगा और कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा। मिड ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो ये कनेक्ट करेगा फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से, और इसके पास कुछ रिफ्लेक्स सेंटर होंगे जो कि आई मूवमेंट और ऑडिटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जैमिना। ओके, अगली बात अगर हम लोग बात करें हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं सेरिबेलम, कोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। वन बाय वन इसके फंक्शंस भी हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे। सेरिबेलम का काम ही होता है बॉडी बैलेंसिंग, जितना भी बॉडी पॉस्चर है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड वो सारा काम सेरिबेलम करेगा, और जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की इनवॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करेगा। कोन्स की अगर बात करें तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा की जस्ट ऊपर का पोर्शन है और ये ब्रिजिंग का काम करता है, जितनी भी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स है इनको कनेक्ट करेगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक्ट एज अ ब्रिज, कोन्स मिडिल पार्ट है इसलिए ब्रिजिंग का काम कर रहा है। और लास्ट हम लोग अगर बात करते हैं कोन्स के बारे में तो ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कैरी करता है बिटवीन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। लास्ट हमारा पार्ट है हिंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ब्रेन का, और इसको हम लोग ब्रेन स्टेम भी बोल देते हैं कभी कभी, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये कंटिन्यू होके स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, इसके पास कुछ एक्टिविटीज है जैसे कि स्वालोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, हार्ट बीट, आप ऐसा बोल सकते हैं जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है वो सब मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास है। वॉमिटिंग है, रिफ्लेक्स एक्शन, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, आप एक लाइन में लिख सकते हैं या इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रीदिंग, हार्ट रेट। दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द रीजंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सो यू हैव टू फोकस ऑन ओनली फंक्शंस ऑफ ऑल द मेन रीजंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इन वन मार्क्स क्वेश्चन विल कम लाइक दैट, राइट द फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम, या सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेन, सो यू हैव टू राइट इन योर आंसर फोर ब्रेन। These type of questions will come, and sometime diagram based question will also come in your board exams. So I think this is sufficient for human brain. Thank you, students.